हम अंतरिक्ष में बड़ी से बड़ी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं और हमने पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट को 5000 से भी अधिक सैटेलाइट से भर दिया है। उनमें से कुछ अभी काम कर रही हैं और कुछ सिर्फ कचरा बन के रह गई है। सोचिए, अगर हम एक बहुत बड़ी सैटेलाइट्स बना के पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में छोड़ दें तो हम बात कर रहे हैं एक कृत्रिम चांद की, जो सूर्य के प्रकाश को इतना रिफ्लेक्ट करे कि हमें रात को लाइट चालू करने की भी आवश्यकता ना पड़े। हम इसे कितना बड़ा बना सकते हैं और क्या यह एक अच्छा विचार होगा? आप देख रहे हैं सोचिए अगर, और ये है क्या हो अगर हम कृत्रिम चंद्रमा बना लें। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहें। अब तक जो हमने सबसे बड़ी चीज पृथ्वी की कक्षा में भेजी है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है, जिसे अंतरिक्ष में कई अलग अलग टुकड़ों में भेजा गया था। लेकिन जब बात हो एक कृत्रिम चांद की जो इससे 10 गुना बड़ा हो, तो इसे हम पृथ्वी की कक्षा में कैसे स्थापित करेंगे? पृथ्वी के अधिकांश सैटेलाइट्स इसकी लोअर ऑर्बिट में हैं, जिसे ISS से ऑपरेट किया जाता है, और कुछ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं, जो पृथ्वी से लगभग 35,000 किलोमीटर ऊपर है। हमारा रियल चंद्रमा पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर की दूरी से हमारे चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन हमें अपने कृत्रिम चांद को इतना दूर रखने की आवश्यकता नहीं है। हम इस कृत्रिम चांद को ISS के आसपास रख सकते हैं और हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रखे, अन्यथा ये वापस हमारे पृथ्वी पर आके गिर जाएगा। हमें इस कृत्रिम चांद की सतह को अत्यधिक परावर्तक पदार्थ से ढकना होगा, जिससे वो सूर्य की रोशनी को हमारी पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर सके। फिर सालों तक हमारी पृथ्वी पर रातें भी रोशनी से भरपूर होगी। यदि आपको रोशनी में नींद नहीं आती तो आपको कहीं अंधेरे कमरे में जाकर सोना होगा। ये जानवरों के लिए बहुत बुरी स्थिति होगी, क्योंकि उनके पास तो इतने ऑप्शन नहीं होते हैं ना। यह कृत्रिम चंद्रमा रात्रि में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए तबाही का कारण बन सकता है, जो शिकार या नेविगेट करने के लिए मूनलाइट पर निर्भर करते हैं। रात में बहुत अधिक प्रकाश हमारे शरीर पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, जिससे मोटापा, हृदय रोग, डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में वृद्धि होगी। कृत्रिम चंद्रमा प्राकृतिक आकाश के दृश्य को भी अस्पष्ट करेगा। पृथ्वी पर लगे टेलीस्कोप डीप स्पेस की फोटो को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। यह दूर के सितारों पर जाने के हम जो सपने देखते हैं उन पर पानी फेर सकता है। कुछ स्रोतों से पता चला है कि चीनी अंतरिक्ष इंजीनियर पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं। उनका चांद ISS से सिर्फ 10 नहीं बल्कि 80 गुना बड़ा होगा। यह प्राकृतिक चंद्रमा की तुलना में 8 गुना ज़्यादा चमकीला होगा। हालांकि हमने उनके कृत्रिम चंद्रमा बनाने की वास्तविक योजनाएं या विकास की रणनीति को नहीं देखा है, इसलिए परेशान मत होइए। इतनी जल्दी कोई कृत्रिम चांद आकाश में नहीं दिखाई देगा। हम अभी भी अपने प्राकृतिक और सुंदर चंद्रमा पर निर्भर हैं, जिसे हम भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए एक एयरपोर्ट के रूप में तथा कॉलोनीज बनाकर रहने में उपयोग कर सकते हैं।